सो वेलकम टू आईएएस मैथ्स एकेडमी। और आप सभी लोग से मेरा अनुरोध यह है कि आप लोग प्रीलिम्स बहुत मेहनत से पास किए हो, राइट, है ना। और ये एग्जाम भी काफी दिन बाद निकला था, ऑडिटर एज वेल एज प्रोजेक्ट मैनेजर का। ठीक है, तो इसमें आपको समय जो है सो मैक्सिमम मुझे लगता है 3 to 4 months का ही समय मिलेगा। आज जैसे आप लोग म्यूट करके रखिएगा, जिसको भी डाउट होगा तो अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइन। तो टाइम जो होगा तो आपको 3 to 4 months मैक्सिमम इसमें मिलेगा, फाइन। तो इसी 3 से 4 महीना में आपको पूरा सिलेबस जो है सो कंप्लीट करना पड़ेगा। है टीडीएस वर्क है, मैथ्स का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको 3 से 4 महीने में करना है। तो ये हमारा एक क्रैश कोर्स है ये, ठीक है। हमको आप सभी लोगों से रिजल्ट चाहिए, सभी लोग अच्छे लोग हो, तभी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हो। थोड़ा सा और मेहनत कर लोगे तो फाइनली आपका रिजल्ट भी हो जाएगा। जनरल स्टडीज के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ठीक से, जीएस के लिए? हाँ सर, कर रहे हैं। जीएस का भी आपका सिलेबस सेम टू सेम बीपीएससी का ही सिलेबस है, राइट? यस। तो जो बीपीएससी के लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं मेंस का, अभी अच्छे से आप फोकस करके करोगे तो बीपीएससी 67 का जो आपका जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें भी आपको फायदा करेगा ये, ठीक है। तो काफी सारे काम आपके पास हो गए हैं आज ही। पहले तो 67 का पीटी है सर, डेट भी आ गया। हाँ, बीपीएससी 67 का आज डेट आ गया है आपका। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है 30 अप्रैल को है। तो आपको इसका भी तैयारी करना है, साथ साथ आपको मेंस का भी तैयारी करना है। प्रोजेक्ट मैनेजर और ऑडिटर का जो मेंस का तैयारी करोगे तो साथ साथ आपका बीपीएससी का तैयारी चलते रहेगा। और जो लोग, कई सारे बच्चे अभी इनरोल हुए हैं तो उनको बीपीएससी 67 में वो ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रखे ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, उन्हें पता नहीं था मैथ्स ऑप्शनल के बारे में। काइंडली आप लोग से अनुरोध है कि अगर आपको, अगर सेलेक्शन हो जाए 67 में ही, हम तो भगवान से यही कामना करेंगे, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो नेक्स्ट टाइम से 68 से तो आपको मैथ्स ऑप्शनल रखना है। वो क्यों रखना है कि ये जो 3-4 महीने का ड्यूरेशन है इसमें आप देख लो कि मैथ्स कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और कितना हाईली स्कोरिंग है, और आपको जल्दी जल्दी समझ भी आएगा। जितने बच्चे हैं ऑडिटर में वो सारे बीएससी वाले बच्चे हैं, राइट, क्योंकि उन्हीं को फॉर्म भरने दिया गया था। यस सर, ऑडिटर में बीएससी वाले बच्चे हैं, है ना। यस सर। तो कितने बच्चे हैं जिनका बीपीएससी 67 में ऑप्शनल सब्जेक्ट दूसरा है, बताइए। मेरा एमडी रहमान का भी सर ऑप्शनल दूसरा है। ओके, दूसरा है। आपका क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे हैं? जी हम 65 बीपीएससी में सर हम मेंस किए थे और उस समय हिस्ट्री लिए हुए थे, तो वही रखे हैं। ओके, ठीक है। तो अभी आप मैथ्स पर होगे तो इस मैथ्स को कैरी फॉरवर्ड करना फ्यूचर के लिए, ठीक है। कोशिश करो कि ऑडिटर वाला आप लोग क्लियर कर लो ये एग्जाम, है ना, और उसके बाद है जो भी एग्जाम आप बीपीएससी का देते हो चाहे यूपीएससी का, मैथ्स ऑप्शन लेके करो, सब में काम आएगा, ठीक है। डबल ए है सर, वो डबल भी तो उसमें भी बिल्कुल आगे आएगा। अभी आपका डबल ए का प्रीलिम्स नहीं हुआ है, राइट? नहीं हुआ है। इसका भी प्रीलिम्स होना है और फिर प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस होगा। तो मतलब एक तैयारी आप मेंस का मैथमेटिक्स का अगर अच्छे से इस बैच में तैयारी कर लेते हो तो आपका काम जो है सो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स ये है, तो इसमें 3 से 4 महीना में आप लोग कैसे खत्म करोगे, सबसे पहले इसका प्लानिंग हम बताते हैं कि 3 to 4 months में आप कैसे खत्म करेंगे चीजों को। ओके, तो चूंकि ये कोर्स बड़ा है तो हम लोग लाइव क्लास में तो मिलेंगे ही, ठीक है। साथ ही साथ आपको बीपीएससी 67, जो भी बच्चे हमारा ऑडिटर और प्रोजेक्ट मैनेजर का कोर्स ले रहे हैं तो उनको बीपीएससी 67 का रिकॉर्डेड क्लास, है ना, जो रिकॉर्डेड क्लास है उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं 3 to 4 months के लिए, ठीक है। 3 to 4 months के लिए आपका ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको अलग से कुछ भी पैसा नहीं देना है। क्यों? पर्पस यही है कि आप लोग ये एग्जाम को क्लियर कर पाए। क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में मान लो हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट वन ऑफ द सिलेबस से। पार्ट वन ऑफ द सिलेबस में आपका पहले आता है क्या,
लीनियर एलजेब्रा आता है और एक दूसरा टॉपिक आता है आपका कैलकुलस आता है, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करेंगे चीज को। और ये सारे वीडियोस कहाँ पे अवेलेबल होंगे? बीपीएससी 67 का जो रिकॉर्डेड क्लास है उसमें वीडियो आपको अवेलेबल है, तो उसमें सारे बच्चों को मैं ऐड कर दूंगा एक एक करके, फाइन। कैलकुलस का इधर चलेगा क्लास, ये भी अटेंड करना है, रिकॉर्डेड क्लास भी अटेंड करना है, दोनों जगह से आपको फायदा लेना है, अपना टॉपिक को इतना जबरदस्त बनाना है कि जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में आप क्रैक कर पाओ, ठीक है। हम लोग बेसिकली क्या क्या करेंगे इन द 3 to 4 months का जो ड्यूरेशन है, इसमें क्या क्या करने वाले हैं, तो एक तो क्लास में आपको चीजों को पढ़ाया जाएगा, क्लास के भीतर में है ना, टॉपिक को बेसिक से बताया जाएगा कि इस टॉपिक में क्या है, क्या चीज पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ सॉल्व एग्जांपल्स क्लास के दौरान कराया जाता है, सॉल्व एग्जांपल्स, फाइन। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर बीपीएससी के, है ना, आपका सिलेबस जो है सो ऑडिटर का और प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों का सिलेबस जो है सो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है बीपीएससी का, उन्होंने साफ लिख ही दिया कि बीपीएससी का सिलेबस के बराबर है कि नहीं, बोलिए। तो आप अगर बीपीएससी का अगर अच्छे से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, पीवाईक्यू अगर आप बीपीएससी का बढ़िया से करते हो, देन यू विल ऑटोमेटिकली डू ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच विल बी आस्क्ड इन योर ऑडिटर एग्जाम एज वेल एज ये प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है, फाइन। तो अब हमें क्लास को कैसे ड्यूरेशन, मतलब इस 3 महीने में जो काम हम लोग करेंगे तो कितना फास्ट काम होगा उसको आप कैसे देख सकते हो? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से, ठीक है। कैलकुलस आप सभी लोग थोड़ा बहुत पढ़े हो कैलकुलस, राइट? हाँ सर, 12th में पढ़े थे कैलकुलस, थोड़ा बहुत पढ़े हैं कैलकुलस का। में भी हम लोग 2 पार्ट में इसको बांटते हैं। फर्स्ट हो गया आपका सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, ठीक है, और दूसरा होता है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ठीक है। तो ये समझ गए कि इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग समझ गए कि इसमें हम लोग करेंगे क्या, हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, जो सीट्स असाइनमेंट्स आपको दिया जाएगा उसको बनाना है और पीवाईक्यू बनाना है। क्लियर है सबको? यस सर। कोई डाउट है बताइए? यस सर, क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो ये क्लास कब कब चलेगी मैं बता रहा हूँ। ये क्लास जो है सो आपको टीटीएस में चलेगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और एक आपका संडे को भी चलेगा, ठीक है। 4 डेज अभी वीक हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। 10 दिन बाद, 10 डेज बाद, 10 डेज के बाद, है ना, एक बार चीज को हम देखेंगे कि आप कितना पिकअप कर पा रहे हो। तो जरूरी पड़ेगा तो हम लोग 3 क्लास और एक्स्ट्रा ले लेंगे, 3 क्लासेस प्लस कर देंगे, ठीक है। ये जो जहां जहां गैप है वहां वहां भी एक एक क्लास हम लोग लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स भी आ गया है बीपीएससी 67 का, तो आपको उसको भी ध्यान देना है कि नहीं जी, समझ रहे हैं बात? प्रीलिम्स को भी ध्यान देना है, अगर प्रीलिम्स नहीं ध्यान देंगे तो 67 का बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाएगा, जो भी आपका ऑप्शनल है ना। आप तो फॉर्म भर दियो, फॉर्म भरने के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं चेंज कर सकते, इस बार से बीपीएससी ने ये रूल निकाल दिया है, लास्ट टाइम तक ऐसा नहीं था, अब है सो कर दिया है। आप जो भी प्रीलिम्स में डाल रहे हो वही को, उसी को कैरी फॉरवर्ड आपको करना है। तो आपको प्रीलिम्स भी तैयारी करना है और साथ साथ आपको ये मैथ्स भी पढ़ना है और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी रखे हो, हिस्ट्री रखे हो, तो उसको भी खींचना है। काम बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो म्यूट करके रखिए, सब लोग म्यूट करके रखेंगे, ओके। तो सिलसिलेवार ढंग से आपको काम करना है। 3-4 क्लास अगर मैथ्स कर रहे हो, अगर आपको एक्स्ट्रा क्लास का जरूरी पड़ता है तो रिकॉर्डेड क्लास आपके पास रहेगा, एक तरफ से आप रिकॉर्डेड क्लास को आप देखना शुरू कर सकते हैं, फाइन। रिकॉर्डेड क्लास में कैसे रहता है तो मैं आपको एक बार विजिट करा देता हूँ। आप जैसे देख सकते हैं कि रिकॉर्डेड क्लास है जो आपका बीपीएस 67 का है कि नहीं? ये दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है, राइट? दिख रहा है। हाँ, वीडियो सेक्शन में आप आओगे, जैसे मान लो कि हम लोग स्टार्ट किए सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, है कि नहीं? तो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस ये बहुत ही पुराना बैच है, हमारा सबसे पुराना बैच है और सबसे ज्यादा बच्चे इसी बैच में है ना, तो इससे आप फायदा उठा सकते हो। कैसे फायदा उठाना है?
तो इंट्रोडक्शन क्लास आप देख रहे हो, सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट देख रहे हो, जीरो इनटू इनफिनिटी फॉर्म देख रहे हो, प्रॉब्लम डिस्कशन है, वन टू द पावर इनफिनिटी है, सीट डिस्कशन है, फिर डाउट क्लास है, फिर सीट डिस्कशन है, लिमिट सीट डिस्कशन देख रहे हो। ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको डिस्कशन करें, क्योंकि डिस्कशन करने से ही आपका डाउट जो है सो रिजॉल्व होता है। फाइन, ओके। तो इस ढंग से क्या करना है कि आपको पीछे से तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहेंगे ही, लेकिन आपको अपना मेहनत भी करना है, तभी ना 3 से 4 महीना में चीज सब खत्म हो पाएगा, है कि नहीं। तो इस बैच में आप सभी लोग को ऐड कर देंगे कैलकुलस सिंगल वेरिएबल, है ना। इसमें आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस जो है सो आपका है, पहले लिमिट पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ लिमिट, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है इवैल्यूएशन टेक्निक्स, ओके। फिर कंटिन्यूटी पढ़ना है, फिर डिफरेंसिबिलिटी, फाइन। After that, you will have to study Rolle's theorem, Lagrange mean value theorem, Cauchy mean value theorem, maxima minima, maxima and minima, asymptotes, ठीक है। इतना बेसिक चीज आपको वन वेरिएबल के भीतर में करना है, बहुत आसान है। ये कोर्स सिलेबस है आपका क्लास 12, क्लास 12 में मोस्ट ऑफ द चीज आप पढ़ चुके हैं। क्लास 12 के भीतर में आप देखोगे तो कौन कौन सा चीज पढ़े, काफी सारे बच्चे हैं जो मैथ्स जिनका बैकग्राउंड है लेकिन छूटा हुआ है, उनका थोड़ा टच छूटा हुआ है, तो वो टच लाने के लिए थोड़ा बेसिक से हम चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। आपने लिमिट 12वीं में पढ़ा है, फॉर्म्स ऑफ लिमिट 12वीं में पढ़ा है, इवैल्यूएशन टेक्निक कंटिन्यूटी पढ़ा है, डिफरेंसिबिलिटी रॉस थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम तक पढ़ा है, कुशी मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पढ़े थे, मैक्सिमा मिनिमा आप पढ़े हुए हैं, एसिम्प्टोट भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन इसको यहाँ पे ज्यादा अच्छे से करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका लिमिट, तो लिमिट क्या होता है, लिमिट का अगर हम बात करते हैं, लिमिट क्या होता है, तो कोई भी फंक्शन है, लेट अस सपोज की लिमिट x टेंडिंग टू a f(x). अब इसका मीनिंग क्या है, क्यों हम लोग लिमिट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, ये बात पहले समझना जरूरी है। तो लेट अस सपोज की कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू है साइन एक्स बाई एक्स है, फाइन, साइन एक्स बाई एक्स है। तो अगर हम बात करते हैं कि बोलो कि आप f0 की वैल्यू कितनी है, चाहे f0 अभी रुक जाओ, आप बोलो कि f ऑफ पाई बाई टू, x की वैल्यू पाई बाई टू रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, देन इट विल बी इक्वल टू साइन पाई बाई टू अपॉन पाई बाई टू, फाइन। साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, पाई बाई टू कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 2/π, ओके। उसी ढंग से f ऑफ पाई अगर बात करते हैं तो आएगा कितना, साइन पाई अपॉन पाई, साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, 0/π इज इक्वल टू 0 हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि f ऑफ 0 क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू साइन 0/0, मतलब 0/0। अब 0/0 क्या होगा, है ना, तो मैथमेटिक्स में 0/0 को अनडिफाइंड बोलते हैं, कोई डिफिनीशन इसका नहीं है कि 0/0 क्या होगा। 0 मतलब एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0, ये 0 लिख देने का मतलब क्या है, एग्जैक्ट 0 है ये, एग्जैक्ट 0 मतलब 0 के आसपास नहीं, 0 ही है ना, और नीचे में भी 0 ही है। अगर आप बात करते हो कि 5/2, है ना, इसका मतलब क्या होता है, 5 चीज को आप 2 आदमी में बांट दो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट 5 थिंग्स अमंग बिटवीन 2 पीपल, तो दैट विल बी इक्वल 2.5। लेकिन अगर हम बात करें 10/0 के बारे में, अगर हम बात करें तो 10/0 का मीनिंग क्या होता है कि 10 चीज को 0 पीपल में डिवाइड करो, इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकलता है ना, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है कि 10 चीज को 0
आदमी में बांटू कि कैसे बांटेगा, वो नंबर ऑफ पर्सन फिक्स होना चाहिए ना, वन होना चाहिए, टू होना चाहिए, थ्री होना चाहिए, तो फिर आप बांट पाओगे। लेकिन अगर बात करें 0/10 बोले तो ये क्या होगा कि 0 चीज को 10% में आप बांटोगे, है ना। गैलेक्सी A12 आप कृपया करके नहीं लिखे कुछ, है ना। 0/10, 0/10 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन सी हियर दैट 0/0 इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली। इसीलिए हम लोग यहां पे लिमिट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि भाई जीरो, आप बाय जीरो करते हो तो इसका मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, इसका मीनिंग क्या होगा सर? तो साइन एक्स बाई एक्स अगर दिया हुआ है और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो है, मतलब x x is tending to zero, x is tending to zero, उसको क्या पढ़ते हैं, x is tending to zero, that is different from what we say x is equal to zero. x tending to zero मतलब हो गया जीरो के पास में है x की वैल्यू, जीरो नहीं है, इस बात को समझिए। तो साइन x मतलब हो गया x की वैल्यू जीरो के पास है, जीरो के पास है मतलब क्या है, जीरो के वेरी क्लोज है, You can say that 0.00000001 होगा। तो इस पे आप लिख सकते हो साइन 0.0000 समथिंग ऐसे करके 1 होगा अपॉन 0.000 ऐसे 1 होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कुछ निकल के आएगी कि नहीं आएगी? साइन का कर्व जानते हैं आप, साइन का कर्व कैसा होता है? साइन का कर्व होता है ऐसा, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, This is x-axis and this is y-axis. तो साइन जीरो पे जीरो होता है, लेकिन जीरो के जस्ट पास में जीरो नहीं होता है, जीरो के वैल्यू जो होगा सो जीरो के आसपास होगा, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। साइन जीरो कब कब होता है? जीरो पे होता है, नहीं तो फिर पाई पे होता है, नहीं तो फिर टू पाई पे होता है। मतलब जीरो से पाई के बीच में साइन दो ही जगह जीरो होता है, कहां? जीरो और पाई पे। तो अगर हम बात करते हैं 0.0000 ऐसे करके 4-5 0 कर दो फिर 1 कर दो, इसका मतलब है कि बहुत छोटी वैल्यू है, दैट इज मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा सो पास होगा किसके, ओरिजिन के पास होगा, और इसकी वैल्यू जीरो का ही पास होगी, बट दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि ये चीज आप कुछ ना कुछ निकाल सकते हो, इसका वैल्यू निकलेगा, ये अनडिटरमाइंड नहीं है, चाहे ये मीनिंगलेस चीज नहीं है, इधर से कुछ मीनिंगफुल चीज आ रहा है। क्यों? क्योंकि साइन 0.00 इज वैलिड थिंग, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, नीचे में भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो कोई सर्टेन वैल्यू बाय सर्टेन वैल्यू वेयर सर्टेन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज गोइंग टू बी सर्टेन वैल्यू। समझ में आ रही बात? कह रहे हैं कि छोटी संख्या है, नीचे भी कोई छोटी संख्या है, लेकिन दोनों जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कुछ ना कुछ वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो हम लोग जो पढ़ते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, लिमिट का 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होता है, पढ़े हैं कभी? 12th में पढ़े होंगे ना, राइट? बोलिए। यस सर, क्लास 12th में पढ़े थे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में कौन कौन से फॉर्म होते हैं? तो फर्स्ट फॉर्म इज योर 0/0, सेकेंड फॉर्म इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, थर्ड फॉर्म इज 0 × ∞, फोर्थ फॉर्म इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फिफ्थ फॉर्म इज 1 to the power infinity, सिक्स्थ फॉर्म इज इंफिनिटी टू द पावर 0, एंड 7th फॉर्म इज 0 to the power 0। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पता है आपको? बोलिए। नो सर, नहीं पता है? ये पता होना चाहिए ना सभी लोगों को। क्लास में देखी। हाँ जी, क्या बोल रही हैं, बोलिए। यस सर, देखे रिकॉर्डेड क्लास में कुछ क्लासेस। ओके, आपने रिकॉर्डेड क्लास में कुछ क्लासेस देखा है, फाइन।
तो ये 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी 0 × ∞ ∞-∞ 1^∞ ∞^0 0^0 इसको याद कर लो, सात इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होता है लिमिट का। लिमिट का कोई भी क्वेश्चन होगा इसी सात इंडिटरमिनेट फॉर्म से होगा। ये हमारा फॉर्म हो गया 0/0 ∞/∞ 0 × ∞ ∞-∞ 1^∞ ∞^0 0^0। तो सेवन इंडिटरमिनेट फॉर्म्स जो है, तो इसको आपको स्टडी करना है। तो कैसे स्टडी करेंगे, तो इसका भी हम लोग एक ब्रैकेट बना लेंगे कि फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्म्स ये है, सेकंड सेट ऑफ फॉर्म्स ये है, ऐसे करके हम लोग काम करेंगे। तो फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्म्स जो है सो ब्लॉक बनाओ इसको टाइप वन। टाइप वन में क्या होगा, 0/0 ∞/∞ होगा ये, ठीक है। तो इसमें लिखिए इन द फॉर्म 0/0 और ∞/∞ वी एक्चुअली यूज LH रूल। एल हॉस्पिटल रूल, इसको एस साइलेंट होता है, एल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ते हैं लोग, एल हॉस्पिटल रूल भी होगा, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल जिसको आप LH रूल भी बोलते हो, ठीक है। इन LH रूल वी डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, है ना, एंड चेक द फॉर्म ऑफ लिमिट। इफ द इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है यहाँ पे, 0/0 और ∞/∞ परसिस्ट्स का मतलब क्या होता है, वो ज्यों का त्यों है ना, वैसा ही का वैसा ही है, फिर से 0/0 आ गया चाहे ∞/∞ आ गया, देन वी अगेन अप्लाई LH रूल एंड इवेलुएट द लिमिट। ठीक है, अगर इस बार भी अगर 0/0 ∞/∞ परसिस्ट कर रहा है तो फिर से LH रूल लगाएंगे, ये चलते रहेगा क्रम, इसको इटरेशन बोलते हैं। एक काम किया आपने, फिर से वही काम करो, फिर से वही काम करो, मतलब इटरेशन बोलते हैं, बार बार उसी चीज को आप रिपीट कर रहे हो। ये प्रोसेस रिपीट होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, कब तक, जब तक कि हमारा फॉर्म ऑफ जो लिमिट है सो कुछ इनडिटर्मिनेट से हट नहीं जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स। सबसे पहले बताइए कि साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट जब एक्स टेंडिंग टू जीरो रहता है तो इसका कौन सा फॉर्म है, बोलिए। 0/0 0/0 फॉर्म है। क्यों 0/0 फॉर्म है सर, जब x टेंडिंग टू 0 है तो sin x की वैल्यू 0 होती है, sin 0 0 और x टेंडिंग टू 0 मतलब ये ऊपर भी 0 को टेंड कर रहा है, नीचे भी 0 को टेंड कर रहा है, मतलब ये फॉर्म जो हो गया तो हमारा 0/0 फॉर्म है। जहां भी 0/0 फॉर्म होता है, चाहे ∞/∞ फॉर्म होता है, तो हम लोग वी अप्लाई LH रूल, LH रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे। एग्जाम में LH रूल ना लिखिएगा, एल हॉस्पिटल रूल पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है, समझ गए बात। तो LH रूल में क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे ddx ऑफ साइन x अपॉन ddx ऑफ x। तो ddx ऑफ साइन x कितना होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चे, cos x होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये हो गया कितना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x, cos 0 कितना होता है सर, 1 होता है, इसका मतलब वैल्यू 1 आ गया। 1 आ गया क्या, अब इसको डिफरेंशिएट करने का जरूरत है क्या, अब तो वैल्यू आ गया, लिमिट आ गया, जब लिमिट जब वैल्यू जब आपको आ जाता है तो उसके बाद LH रूल लगाने की जरूरत नहीं है, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में करके देखते हैं. एग्जाम्पल टू में लिखिए लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x स्क्वायर माइनस वन बाई x माइनस वन. ये क्या हो जाएगा, x टेंडिंग वन करो पहले. ये कौन सा फॉर्म है, ये भी जीरो है सर, ये भी जीरो बाय जीरो फॉर्म है. तो जब भी जीरो बाय जीरो फॉर्म होता है तो क्या करते हैं, एलएच रूल लगा देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं. तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है टू एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन. एक्स टेंडिंग टू जीरो करोगे तो कितना आएगा, टू टाइम्स, ये एक्स टेंडिंग टू वन है ना यहाँ पे, एक्सटेंडिंग टू वन, तो टू टाइम्स वन इज इक्वल टू टू हो जाएगा. रहमान आपको समझ आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है. राजीव रंजन जी आपको? हाँ जी बोलिए. मनीष? यस सर समझ में आ रहा है. ठीक है, तो जीरो बाई जीरो जब भी फॉर्म रहेगा तो उसको आपको एलएच रूल लगाना है और ऐसे करके सॉल्व करना है. छोटे छोटे क्वेश्चन में जब तक आप कंफर्ट लेवल आपका अच्छा नहीं होगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं कर पाए. तो छोटा क्वेश्चन पहले देखिए, एग्जांपल थ्री देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन. ये कौन सा फॉर्म है बताएंगे जरा. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है कि नहीं. तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये फॉर्म है. तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आप क्या करते हैं जरा बताएंगे. जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रहता है तो उसको आप एलएच रूल लगाते हैं. जीरो बाय जीरो फॉर्म रहेगा और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रहेगा तो उस केस में आप क्या करते हो, एलएच रूल ही लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल रूल क्या है, ऊपर डिफरेंशिएट करो नीचे डिफरेंशिएट करो सेपरेटली अलग अलग. ठीक है, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन. सो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी टू एक्स अपॉन टू एक्स. तो यह हो जाएगा कितना वैल्यू, वन हो जाएगा. वन मतलब इसका वैल्यू वन हो गया. तो आराम से देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ऊपर भी इन्फिनिटी बन रहा है नीचे भी इन्फिनिटी बन रहा है, तो उसको एलएच रूल लगा के काम तमाम करते हैं. समझ में आ रही बात. क्वेश्चन देखिए, वन बाई पाई बाई टू माइनस एक्स कर दो. ठीक है, अभी बताओ फॉर्म कौन सा है ये. अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पकड़ लिया ना. टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी होता है और नीचे वाला देखो वन बाई टेंडिंग टू जीरो, वन बाई टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो ऐसे एरो लगा दिए, जीरो के बगल में ऐसे एरो लगा दिए. आपको समझने बूझने के लिए है, एग्जाम में नहीं लिखेगा इधर एरो लगाकर. ठीक है, समझने के लिए कि वन बाई जीरो को टेंड कर रहा है. वन बाई जीरो को टेंड कर रहा है मतलब वन बाई, आप सोचो ना बहुत छोटी क्वांटिटी है, वन अपॉन टेन रेज़ पावर माइनस हंड्रेड लगा लो, कितना छोटा क्वांटिटी होगा, 10 रेज पावर माइनस 100 बहुत छोटी क्वांटिटी है. अब इसको आप ऊपर करोगे न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 रेज पावर 100 हो जाएगा. 10 रेज पावर 100 मतलब बहुत बड़ी विशाल क्वांटिटी होगा वो, है कि नहीं. तो वेरी लार्ज नंबर, लार्ज नंबर मतलब इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का सेंस क्या होता है, बहुत बड़ा चीज, समझ रहे हैं. तो टेन एक्स बाई वन बाई पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा बताइए. डिफरेंशिएट करेंगे सर, डिफरेंशिएट कर देंगे. लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 है, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, sec x * tan x, tan x का sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x. सब लोग फार्मूला याद रखोगे आज, फार्मूला सब लोग याद करोगे. ठीक है, आज फार्मूला सीट आप लोग को दे देंगे, है ना, उस फार्मूला सीट को पूरा रट्टा मारोगे, है ना. 1 / x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ, -1 / पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस वन. राइट, डी डी एक्स ऑफ लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, है ना. सबका डेरिवेटिव याद है सब लोग को,
नहीं याद है तो फॉर्मूला सीट आपको मिलेगा, उससे आप याद करिएगा. लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, अभी कितना हो जाएगा जरा बताइए, पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू है, जरा बताइए अब इसका वैल्यू कितना होगा, वैल्यू बताइए. ये जीरो हो जाएगा सर. हाँ जी जीरो हो जाएगा. 90 भी तो इनफिनाइट होता है. ओके काफी सारे बच्चे यूट्यूब पे भी लाइव हैं और वो मैसेज कर रहे हैं. श्रवण कुमार जी कह रहे हैं सर कोई बैच है क्या? बिल्कुल बैच है, बैच में ही क्लास अभी हो रही है ना. ये दो तीन क्लास हम आप लोगों को डेमो के लिए क्लास डालेंगे और उसके बाद है सो क्लासेज जो होगी सो आप परचेज करेंगे तभी होगा. ओके किसी ने डिफरेंशिएशन भी लिखा है sec x into tan x. बच्चे sec x into tan x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है. समझ में आ रही बात है ना? ओके सो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए. जीरो इंटू इनफिनिटी आ रहा है तो जीरो इंटू इनफिनिटी कैसे हो जाएगा? इट मीन दैट ये फॉर्म कौन सा हो गया? ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जीरो इंटू इनफिनिटी है. इसको आप कैसे सॉल्व करोगे है कि नहीं? इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा सोचो जरा. इसको फिर से वैसा ही कर सकते हैं क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू है ना, सेक स्क्वायर एक्स है ना, चाहे आप ऐसा लिख सकते हो इसको पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है अब ये कौन सा फॉर्म है बताएंगे जरा, कौन सा फॉर्म है? माइनस वन हो गया अपॉन ये कितना हो जाएगा टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन. ठीक है अब यहाँ पे आप डालो वैल्यू एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू करेंगे तो कितना आएगा? और भी शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं लेकिन अभी हमने जो आपको मेथड सिखाया है उसी को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. साइन टू कॉस एक्स और साइन एक्स है. ठीक है तो अभी देखिए डेरिवेटिव कितना हो रहा है, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा. साइन पाई बाई टू कितना होता है? वन होता है बच्चे. साइन पाई बाई टू वन होता है ना, साइन पाई बाई टू की वैल्यू साइन 91 होता है. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हाँ, तो पाई बाई टू ये पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स. तो अगेन द फॉर्म इज हेयर जीरो बाई जीरो फॉर्म. तो फिर से हम क्या लगा सकते हैं? एलएच रूल लगा सकते हैं भाई. सर साइन कॉस एक्स इनटू साइन एक्स था उसको कैसे किए फिर कॉस एक्स हो गया? साइन 90 कितना होता है? साइन 90 सर 1 होता है. साइन 91 होता है ना, तो जब साइन 91 होता है तो आप इसको क्या करेंगे? उसको हटा दीजिए, मल्टीप्लाई में है ना, फैक्टर में रहता है तो जिसका वैल्यू निकल जाता है उसको हम लोग साइडलाइन कर देते हैं. ठीक है साइन एक्स की तो वैल्यू निकल रही है ना, तो साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना हो जाता है? वन होता है. तो ये चीज आ गया. फिर से आप एलएच रूल लगाइए तो ऊपर कितना होगा डेरिवेटिव? माइनस वन अपॉन कितना होगा बोलिए बोलिए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस माइनस साइन. तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए? माइनस वन बाई साइन ऑफ वन बाई साइन एक्स हो गया, और साइन पाई बाई टू कितना होता है बच्चे? वन. वन होता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा. फाइन ठीक है समझ में आ रही बात. अब देखो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा मेथड होता है क्या अभी सिखा रहे हैं, टेन एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स था ये क्वेश्चन. लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म, थ्री स्टैंडर्ड फॉर्म्स खूब भरपूर यूज करना है ना. क्या क्या? पहला यूज होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन. ये आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में भी आप पढ़ते हैं इसको, कि
जब x जब 0 को टेंड करता है, जब x इज अप्रोक्सीमेटली 0 को होता है, तो फिजिक्स में भी आप इसको लगाते हो, तो x की वैल्यू जो है सो साइन x की वैल्यू के बराबर होती है। साइन x की वैल्यू के बराबर होती है, दोनों को आप बोल सकते हो। इफ ऐसा होता था लाइट वाइट चैप्टर में आप बनाते थे फिजिक्स में, है ना, ऐसा किए हैं कभी? x जब बहुत छोटा होता है तो साइन x का वैल्यू x के बराबर होता है, दोनों का वैल्यू 0 के बराबर लगभग होता है, ठीक है? तो इस चीज को समझ सकते हैं, जब x टेंडिंग टू 0 है तो x और साइन x बराबर है, दोनों का रेशियो कितना होगा? 1 होगा, है ना। सेकंड लिमिट, इसको याद रखना है, रिमेंबर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by x इज इक्वल टू 1, ये रहेगा तो भी हम लोग 1 कर देते हैं। थर्ड लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x by x, ये भी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। फाइन, तीनों चीज समझ में आ रहा है? बोलिए, साइन एक्स बाई एक्स 1 के बराबर होता है, टेन एक्स बाई एक्स जब एक्स टेंडिंग टू 0 है, कोई दूसरा चीज रहेगा तो फिर 0 के बराबर हम लोग करेंगे उसको, ठीक है। एक और रिमार्क लिखो, व्हेन एक्स इज नाइदर टेंडिंग टू 0 नॉर एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स जब 0 को भी टेंड नहीं कर रहा है, इंफिनिटी को भी टेंड नहीं कर रहा है, टेंड कर रहा है तो एरो लगाएंगे, नहीं टेंड कर रहा है तो एरो लगा के काट देंगे ऐसे। रादर x इज टेंडिंग टू सम क्वांटिटी a, देन वी अज्यूम दैट, हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट x इज इक्वल टू a प्लस h और a माइनस h, कुछ भी ले सकते हैं। तो a प्लस h आप लोगे एज x इज टेंडिंग टू a, देन h इज टेंडिंग टू 0, यहाँ पे भी बोल सकते हो एज x is tending to a then h is tending to 0, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, फिर से आइए उसी क्वेश्चन पे, लिमिट x tending to था पाई बाई टू, क्या था बच्चे बोलिए, tan x by pi by 2 minus 1 by pi by 2 minus x, यही था ना? हाँ yes, sir. तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या x tending to pi by 2 है, तो x is not tending to 0 nor x is tending to infinity, rather x is tending to pi by 2, hence as यहां लिख दो, hence we assume करेंगे क्या, x बराबर pi by 2 plus h, pi by 2 plus h मान लेंगे। now as x is tending to pi by 2 तो h जो हो जाएगा automatically 0 को tend करेगा, तो यहां पे अब limit आप set करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h के भीतर लेके आना है इस चीजों को, tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस h अपॉन 1 बाई 1 अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस h, ठीक है। अब ये बता सकते हैं tan पाई बाई 2 प्लस h कितना होता है बच्चे? ये पता है ट्रिग्नोमेट्री का कैसे एंगल वेंगल चेंज होता है? पाई बाई 2 प्लस h मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, tan पाई बाई 2 लगता है चाहे 270 लगता है तो कॉट हो जाता है, होता है कि नहीं? माइनस कॉट होगा कि नहीं? एड सुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉस, फर्स्ट में सब होता है सर, सब होता है ना, एड सुगर टू कॉफी, ये फॉर्मूला याद रखो, एड सुगर टू कॉफी, है ना। तो मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, पाई बाई 2 प्लस h मतलब कहां एंगल जाएगा, यहां पे जाएगा, है कि नहीं? बेसिक बता रहा हूं, ये पाई बाई 2 प्लस h, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में भाई कौन पॉजिटिव होता है? साइन ही पॉजिटिव होता है, यहां तो टैन दिया हुआ तो टैन निगेटिव यहाँ आएगा, पाई बाई 2 लगने पर क्या होता है, टैन क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, है ना, होता है कि नहीं? 1 बाई कितना होगा, ये माइनस h हो जाएगा ये। बोलिए बोलिए ना, हाँ सर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऊपर में क्या हो जाएगा, h cot h बचाएगा, ये h cot h मतलब क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h by tan h हो जाएगा,
इसको आप लिख सकते हो लिमिट ए टेंडिंग टू जीरो वन बाई टेन एच बाई एच हो जाएगा। तो टेन एच बाई एच कितना होता है जब एस टेंडिंग होता है, तो वन होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसमें कोई एलएच रूल लगाने का जरूरत पड़ा है क्या? No, नहीं पड़ा ना। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के तरह, आप सोचो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो और फिर आप रिजल्ट डायरेक्टली उसको आप अप्लाई करो। फाइन, एक क्वेश्चन बनाओ सभी लोग, एक क्वेश्चन सभी लोग करो। लिमिट x tending to 0 limit x tending to 0 sin x minus tan x upon x square nikaliye sin x minus tan x upon x square। कौन सा फॉर्म है बताइए जरा। जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो है ना? यस सर, जीरो बाई जीरो। ओके, मुक्तेश्वर पासवान जी कह रहे हैं मेरा भी है सर मैथ्स ऑप्शनल। ओके मुक्तेश्वर जी, श्रवण कुमार जी आप दोनों का मैथ्स ऑप्शनल है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट माई नंबर, जो भी नंबर आपको स्क्रीन पे अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, आईएएस मैथ्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और फिर एडमिशन आप ले सकते हैं। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं नोट भी प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल नोट भी प्रोवाइड करेंगे, जो भी क्लास नोट सभी क्लास में लिख रहे हैं इसका पीडीएफ कॉपी आपको मिलता है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीट्स वगैरह भी मिलेगा जिसका डिस्कशन होगा। फाइन, सर जीरो आ रहा, जीरो होगा। फाइन, साइन एक्स बाई माइनस टेन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो ये होगा फॉर्म आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो एल एच रूल आप लगा दोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो कितना बनेगा ये कॉस एक्स माइनस tan x का कितना होता है sec square x upon 2x हो जाएगा। अभी क्या बनेगा ये बोलिए, 0 by 0 फॉर्म फिर से आ गया ये, है ना? तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस sin x होता है, फिर से lh रूल लगा दिया तो हो गया ये माइनस ऑफ sin x माइनस sec square x का कितना होता है 2 sec x sec x into tan x, ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा ये। समझ में आ रही है बात? तो अब ये वैल्यू sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 sec x into tan x, मतलब sec स्क्वायर हो जाएगा यहां। यस सर, तो अब यहां x टेंडिंग टू 0 आप डालोगे तो sin 0 0 होता है, sec tan 0 0 हो जाता है, तो ये सारा न्यूमरेटर खत्म हो जाएगा, 0 by 2 मतलब 0 आंसर हो जाएगा। तब समझ गए, छोटा-छोटा जो क्वेश्चन होगा उसको तो आप लोग उड़ा दोगे, है ना? बेसिक क्वेश्चन जो जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का क्वेश्चन रहेगा उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बोलिए जरा, कर देंगे ना? यस सर। फॉर्मूले नहीं याद है सर तो क्या होगा? फॉर्मूला नहीं याद है? ओके नहीं सर, 3-4 साल बाद तो मिल रहा, फिर क्या मिल रहा है 3-4 साल बाद ये पढ़ने को? ओके, तो फॉर्मूला के लिए आपको फॉर्मूला सीट अभी हम देते हैं। ये देखिए ये फॉर्मूला सीट है, ठीक है, तो इसमें से आपको रट्टा मारना है ना? जैसे देखो यहाँ पे e की पावर x का एक्सपेंशन है, e की पावर x का एक्सपेंशन है, क्या क्या याद करके रखोगे यहाँ पे आप नोट करो, ठीक है, सब लोग नोट करो, इसको मैं लिंक डाल दूंगा, है ना, आप लोग डाउनलोड कर लोगे, जो बच्चे हैं ग्रुप में भी डाल देंगे इसको। तो e की पावर x को आप याद करोगे, e की पावर x को याद कर सकते हो, नहीं याद होता कोई बात नहीं, लेकिन e की पावर x तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ln 1 plus x तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, sin x बहुत इंपॉर्टेंट है, cos x बहुत इंपॉर्टेंट है, tan x इंपॉर्टेंट है, tan inverse x इंपॉर्टेंट है, sin inverse x का भी याद रखना कभी कभी यूज पड़ता है, sec x का भी याद रखना है, ठीक है, तो जितना डबल टिक किए हैं इसको तो बिल्कुल याद रखना है,
कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बाइनोमियल थ्योरम होता है, ये भी आप पढ़े हैं, बाइनोमियल थ्योरम पढ़े थे 11वीं में, ए प्लस बी का पावर एन, यही है ना। मुझे दिक्कत होगी सर, मैंने 11 स्किप कर दिया। कोई बात नहीं, 11 स्किप कर दिए हैं तो भी आपको फॉर्मूला तो रट्टा मारना ही पड़ेगा। फॉर्मूला रट्टा मारेंगे फिर ऐसा क्वेश्चन जो है सो आपको बनेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, कौन पूछ रहे थे कि मेरा 4 साल के बाद अभी शुरू हुआ है पढ़ाई, बोलिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं अच्छा, नाम क्या है आपका? सरफराज अली। सरफराज जी, देखिए सरफराज जी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है? आपने छोड़ा हुआ है, काफी दिन हो गया है, फिर भी फॉर्मूला याद करेंगे। ये फॉर्मूला बैठ के याद कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, टैन एक्स कॉट एक्स कॉस एक्स कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स, है ना, सेक एक्स कॉसेक एक्स। सी एस सी क्या होता है बोलेंगे जरा? कॉसेक एक्स को ही सी एस सी बोलते हैं, ठीक है? e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन यही होता है, ln x का 1/x होता है, a की पावर एक्स का, a की पावर एक्स ln a होता है, log x बेस a का होता है 1/x ln a। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो फिर आपके पास टूल ही नहीं रहेगा जिसको आप यूज कर पाइएगा, है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, इसको भी याद कर लेंगे। हाइपरबोलिक फंक्शन को भी याद करके रखेंगे, सुबह सुबह ये पूरा का पूरा इसको प्रिंट आउट आप लोग करा लोगे और इसका फॉर्मूला डेली सुबह में देखोगे, लिखोगे हाथ से ब्लैंक पेपर पे, 2-4 दिन में आपको फॉर्मूला ऐसा याद हो जाएगा। वैसा भी कुछ सर, हम अभी जुड़े हैं। आप अभी जुड़े हैं? जी सर, हम प्रीतम प्रकाश। प्रीतम प्रकाश जी, आपको ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा था, आप ये हेडफोन नहीं लगाए थे क्या? लगाए थे लेकिन सर वो वाईफाई वाला जो आया कोई बताया हमको तो हम किए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब ब्रीफ टेबल ऑफ इंटीग्रल्स यहाँ पे दिख रहा है, तो ये बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूला सब है, इंटीग्रेशन है। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos square x का माइनस cot x होता है, cos x into cot x का माइनस cos x होता है। तो इसको भी आपको तुरंत अगर याद नहीं भी होता है तो पहले आप क्या करो, क्वेश्चन लो, जो भी क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको यहाँ से आप देख के क्वेश्चन बनाओगे। जब 4-5 बार क्वेश्चन को एक बार सीट को कंप्लीट करेंगे तो सारे फॉर्मूला धीरे धीरे याद होने लगेंगे आपको, ठीक है? यहाँ तक रट के रखिएगा, पेज नंबर नोट कीजिए, पेज नंबर इसमें नहीं दिया है, ये इंटीग्रेशन जो ब्रीफ टेबल ऑफ इंटीग्रल है ना, यहाँ तक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, लिमिट में ये सब काम आएगा। शुरू का जो फॉर्मूला था हमारा एक्सपेंशन, ये भी एक्सपेंशन वगैरह है, सो आपको याद करके रखना है। क्लियर है सब लोग को? बोलिए फॉर्मूले का पीडीएफ मिलेगा? हाँ जी, सारे क्लास का आपका पीडीएफ है, सो आपको ऐप में भी रहेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होइए, ठीक है? आप लोग के लिए ही ये चीज लिखा जाता है, ये सब चीज जितना लिखते हैं आप लोग के सहायता के लिए लिखते हैं, उसको आप ध्यान से लिखेंगे। अब देखिए 0 × ∞ फॉर्म क्या होता है, फॉर्म 0 × ∞। अब 0 × ∞ फॉर्म हो, इसको हम लोग कैसे टैकल करते हैं? तो इन 0 × ∞ फॉर्म वी एक्चुअली सिंप्लीफाई द फंक्शन, और ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दोनों फॉर्म के लिए चलेगा, सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, है ना, टू गेट odd infinity minus infinity form, दोनों 0 × ∞ चाहे infinity minus infinity form, we actually simplify the question to get the form, to get the form, कौन सा form? एकदम 0/0 आएगा, चाहे infinity by infinity आएगा, बोलिए। लिखते चले सर इसे। हाँ जी। लिखते चलना है या क्या पूछ रहे हैं? पूछिए। उसका कहना है सर लिखते जाएगी वैसे। देखो आप लिखने के फिर में आप मत रहो, ऐसा नहीं है कि हम ये मिटा देंगे तो बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं जो है तो फिर आएगा नहीं, है कि नहीं? ये डिजिटल रूप से लिखा रहा है, इसका पीडीएफ कन्वर्ट होके आपको मिल जाएगा क्लास के बाद, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा। जो भी पढ़ा रहे हैं आपका फोकस होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, उसमें क्या लगा रहे हैं। क्लास के दौरान कोई भी कोई चीज अगर नहीं समझ में आता है तो रिकॉर्डेड क्लास में भी आप देख सकते हो, आराम से
माइंड शांत करके वीडियो देखिए खाली, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप रिस्पॉन्ड करने को, आप नहीं लिखते हैं कोई छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं है। अब ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग नहीं है, तो टीचर पढ़ा रहे हैं बोर्ड साफ कर रहे हैं, है ना। तो पहले होता था जिस समय डिजिटल वाला युग नहीं था, आज के दिन में डिजिटल युग है, तो इसका मतलब है कि आपको चीज पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, लिखने उखने वाला चीज मिल जाएगा आपको, समझ रहे हो बात। जीरो इंटू इन्फिनिटी चाहे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म अगर होता है तो उसको हम वैसे क्वेश्चन को सिंपली हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, और सिंप्लीफाई करने के बाद या तो हमको जीरो बाई जीरो फॉर्म मिलेगा चाहे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगा, ये श्योर है। जैसे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x साइन वन बाई एक्स, x साइन वन बाई एक्स गड़बड़ हो जाएगा, हमको निकालना है जीरो इंटू इंफिनिटी। तो आप ऐसा करो, जीरो कब आ सकता है, एक्स जीरो तो जीरो हो जाएगा, बाई साइन एक्स अगर कर दे, बाई साइन एक्स कर देंगे तो हो जाएगा क्या, कॉसेक एक्स, बाई साइन एक्स करोगे तो क्या आएगा नीचे में, वन बाय कॉस कर दीजिए सर, एक्स बाई साइन एक्स करेंगे तो क्या आएगा, ये तो ये हो जाएगा जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाएगा, हमें लाना है जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म लाना है ना। तो ऊपर में आपको क्या लाना पड़ेगा बोलिए ना, इन्फिनिटी लाना पड़ेगा, बेटर है log x, हाँ log x आप ले सकते हो, x sin x into log x, x log x कर दो, जीरो इंटू इन्फिनिटी अब आएगा, यह log x का ग्राफ सब लोग को पता है, नहीं सर, ये x होता है, ये y है, log वन जीरो होता है, log जीरो, log का डोमेन क्या होता है, जीरो से बड़ा। log x कब डिफाइन होता है बच्चे, जब x इज ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप ग्राफ में देखिए, x जब बहुत छोटा है, x जब जीरो के पास में है, तो इसका वैल्यू कितना जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, राइट। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू होगा ये जीरो टाइम्स माइनस इन्फिनिटी, मतलब जीरो इंटू इन्फिनिटी वाला ही फॉर्म है। तो इसको हम क्या करें बोलिए ना, जीरो बाय जीरो फॉर्म में करेंगे। हाँ तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करो, तो लॉग एक्स बटा वन बाय एक्स लिख सकते हैं इसको, यस सर। तो अब ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, कौन सा फॉर्म हो जाएगा, अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा, राइट, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ये अब हो जाएगा। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, एल एच रूल लगा देते हैं, हाँ यस सर। तो लॉग एक्स कितना होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, वन बाई एक्स डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो आ जाएगा आपका, ठीक है, समझे, बोलिए सर। फॉर्म को कैसे चेंज करते हैं, यही सर कंफ्यूजन हो रहा है, फॉर्म को चेंज कैसे करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, इसमें क्वेश्चन सीट देंगे तो उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर और चीज क्लियर होगा। फॉर्म को चेंज पहले देखो कि कौन सा फॉर्म में है क्वेश्चन, कौन सा फॉर्म में है, एक्स लॉग एक्स जो है कौन सा फॉर्म था ये, जैसे सर log 0 का वैल्यू कितना होता है, माइनस यानी माइनस इनफिनिटी होता है, तो ये तो चीज पकड़ा गया ना कि ये माइनस इनफिनिटी है और ये कितना है, जीरो है। तो ये जब जीरो है तो इसको कैसे ये इनफिनिटी बन सकता है, तो इसको बटा में लिख देंगे, बटा में वन बाई एक्स लिख देंगे, वन बाई एक्स कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये नीचे में तो जीरो बन जाएगा ना, अब ये इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, वन बाई टेन इंटू जीरो इन्फिनिटी बनेगा, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, समझे बात, बात समझ में आ रही है, हाँ सर।
सब क्वेश्चन को क्या करना है, आज जैसे क्लास खत्म होता है तो उसके बाद सारे क्वेश्चन को एक बार अपने हाथ से बनाकर एक बार दो बार देखना है। आइडियली आपको दो बार देखना चाहिए, एक बार सारे क्वेश्चन बना लिए, फिर है सो एक घंटा में सारे क्वेश्चन बना लिए। ये काम अगर डेली आप करते हो तो आपको ना नोट्स बनाने का जरूरी है, ना आपको बार बार रिविजन का जरूरी है। आप क्लास अटेंड किए, क्लास में जो जो चीज कराया गया उसको आप नोट डाउन करके अच्छे से लिख लिए, है ना, तो आपका नोट्स भी एक तरह तैयार हो रहा है, ठीक है, और जो जो क्वेश्चन आपने किया है क्लास में वो प्रैक्टिस भी हो रहा है। तो ये काम डेली अगर होगा तो बहुत तगड़ा आपका प्रोग्रेस होगा, दिखेगा भी आपको, कॉन्फिडेंस आएगा। अब सोचो एक क्लास हो गया फिर उसको करेंगे, चार दिन बाद फिर याद आ रहा है कि अब उसको करना था वो वाला क्लास, तो फिर तो कई सारा चीज माइंड से निकल जाएगा ना। देखो डिजिटल का आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिलता है, लाइव भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, नोट्स भी मिल रहा है, तो इसको सही ढंग से आप यूटिलाइज करो तो बहुत तगड़ा तैयारी हो जाएगा आपका। अब वो वाली बात नहीं है ना कि रिकॉर्डेड मतलब आप जाके कहीं पे क्लास कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, किसी दिन क्लास नहीं किए तो अपना दोस्त को बोल रहे हो भाई कॉपी दे दो लिखना है, वो वाली बात तो है नहीं। आप क्लास नहीं भी करते हो तो भी आपका क्लास लोडेड हो जाता है, वो बाद में उसको आप घर पे देख सकते हो, है कि नहीं। तो उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज करो चीज को, जो भी चीज कराया जाता है क्लास में उसको ध्यान पूर्वक क्लास कीजिए, उसके क्लास के बाद उस पर काम कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। ओके अब एक क्वेश्चन बताइए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई टेन एक्स, ये कौन सा फॉर्म है बताइए। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वेरी गुड। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में अपन क्या करते हैं जल्दी बताएंगे, अभी मैंने बताया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में अपन क्या करते हैं उसको जीरो बाय जीरो या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट लाते हैं, जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में लाते हैं। कैसे लाते हैं भाई, सिंप्लीफाई करके लाते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन को करेंगे तोड़ मरोड़ तो हमारा सिंप्लीफाई होके वो आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा करो भाई, फॉर्म है यहाँ पे कितना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को क्या करते हैं सर, यहाँ पे ऊपर में हमने लिखा है सारा कुछ कि द फॉर्म जीरो इंटू इन्फिनिटी चाहे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन फॉर्म जीरो इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वी एक्चुअली सिंप्लीफाई द क्वेश्चन टू गेट द फॉर्म इधर जीरो बाय जीरो फॉर्म चाहे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। आए भी करेगा वो, नहीं कैसे आएगा, यही दोनों ही फॉर्म आएगा, दूसरा कुछ आता ही नहीं। जब इतना श्योर सर्टेन चीज है तो फिर आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हो, है कि नहीं। करो थोड़ा सा परिश्रम कर देना है, क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना होगा बोलिए, एक्स टेन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स है तो ऊपर में क्या लिखा है, टेन एक्स, यहाँ पे टेन एक्स है तो ऊपर में क्या लिखा है, अभी कौन सा फॉर्म हो गया, अब ये कौन सा फॉर्म हो गया जल्दी बताइए, कौन सा फॉर्म हो गया, ये जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गया सर, है कि नहीं। जैसे जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गया, और एक चीज और चमकना चाहिए माइंड में, क्या कि सर अभी तो पढ़ाए हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स जो होता है सो वन होता है, ये क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, थ्री स्टैंडर्ड फॉर्म में बात किया ऊपर, है ना। तो जहां जहां पर प्रोडक्ट में दिया हुआ होगा, प्रोडक्ट में दिया होगा तब हम ये tan x by x को 1 कर देंगे, प्रोडक्ट मतलब ये किसी न किसी के साथ फैक्टर में जुड़ा होना चाहिए। एग्जांपल अभी देंगे समझाएंगे इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x minus x upon x into tan x, यहां पे कर दो आप by x into x। अब ये tan x by x मल्टीप्लाई में है ना भाई, इसको इधर भी मल्टीप्लाई भी इधर भी मल्टीप्लाई है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं tan x by x को 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलेंगे जरा। कर्व वन नहीं लिखेंगे, कौशन है, कौशन मतलब नहीं बोलते हैं, 40,000 वोल्ट है इधर, सावधानी क्या इसमें बरतना है कि वन माइनस टेन एक्स बाई एक्स बाई कुछ एक्स दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ मत पुट कर देना वन, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि टेन एक्स बाई एक्स क्या हो रहा है मल्टीप्लाई में नहीं ना है भाई, वन के साथ माइनस में है, तो वन नहीं पुट कर सकते, इस बात को समझे। tan x by x, sin x by x, tan inverse x by x किसमें होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन मतलब फैक्टर में होना चाहिए।
प्लस माइनस के साथ नहीं जुड़ा रहना चाहिए, समझ के बात, ये कॉशन है, सावधानी है ना? सर इस तरह का जब भी फॉर्म बनाएंगे या इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वहां पे दर्शाना होगा। हाँ दर्शाना होगा, और सीधे इधर बगल आप लिख दोगे यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स बराबर वन होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा है सो काम कर लिया अपना, है ना, टेन एक्स बाई एक्स वन को लगाकर ये सिंप्लीफाई कर दिया चीजों को, ऐसा जगह पे मत डाल दियो टेन एक्स बाई एक्स को वन, फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं ये सावधानी है। टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो ना कितना अच्छा हो गया ये। हाँ नहीं नहीं, कोई कोई बच्चा कहता है कि सर यहाँ पर भी करना दीजिए यही वाला चीज, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर मजा आ जाएगा सर, ये वाला कर दो टेन एक्स बाई एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स, इसको सर वन कर दो, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी टेन एक्स बाई एक्स दिख रहा है। नहीं कर सकते क्योंकि टेन एक्स बाई एक्स ये जो चीज आ रहा है बाद में माइनस भी आ जा रहा है, ये फैक्टर में नहीं है ये, इसलिए नहीं कर सकते हैं इसको, समझ में आई बात, समझे बात। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म को कैसे ले जाते हो आप बोलो ना, इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस वन बाई टू एक्स। जिसको भी डेरिवेटिव याद नहीं है काइंडली आप याद कर लो, क्योंकि विदाउट डेरिवेटिव आप एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला याद कर लो, कोई भी किताब होगा, लालजी प्रसाद होगा, एनसीईआरटी होगा, आर सरवाल, आर डी शर्मा, कोई भी किताब होगा उसमें से इलेवेंथ क्लास का जो डेरिवेटिव वाला चैप्टर है उसमें सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, रटो, है ना। अगर नहीं है वो किताब तो हम ये फॉर्मूला सीट भेज देंगे, उसमें से आप याद कर लो, लेकिन याद करना है। ये कितना हो जाएगा, sec square x minus 1 upon 2x क्या हो जाएगा बोलिए जरा, 0 by 2 हो जाएगा सर, इनफिनिट होगी, 0 by 0 फॉर्म हो जाएगा ये। हाँ सर, yes, sir. 0 by 0 फॉर्म में क्या करते हैं, अगेन LH रूल लगा देते हैं, वेरी गुड। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो तो कितना हो जाएगा, ये sec स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 sec x इनटू sec x इनटू tan x, sec x इनटू tan x, sec x इनटू tan x, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, इसे कैंसिल हो गया, ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो sec स्क्वायर एक्स इनटू tan x। एक्सटेंडिंग टू जीरो है, एक्सटेंडिंग टू जीरो है तो क्या हो जाएगा सर, sec 0 कितना होता है, 1 होता है, 0 1 होता है ना, और tan 0 कितना होता है, 0 0 होता है, गुणा में है तो खत्म हो गया ये कहानी, पूरा 0 हो गया ये। तो देखो छोटा सवाल में अगर आप अच्छे से अगर दिमाग लगा दिए हो तो बड़ा सवाल के लिए आपको अपॉर्चुनिटी रहेगा कि वहां पे भी आप चीजों को कंसोलिडेट करके आगे बढ़ सकते हो। सर sec 0 का वैल्यू कितना होता है सर, sec 0 मतलब 1 / cos 0, cos 0 1 होता है सर, sec x क्या होता है, 1 by cos x, तो sec 0 कितना होगा, 1 by cos 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, 1 तो 1 into 0 कितना होता है, 0 होता है, 0 है ना होता है, जी सर। इतना तक सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है बोलिए जरा, डाउट है तो बताइए, इतना तक सब लोग समझ गए हैं, जी सर। हमको सर थोड़ा दिक्कत है, क्या दिक्कत है बोलिए सर, थोड़ा सब बीच में आए ना तो हमको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। अच्छा प्रीतम जी, आपको ज्यादा नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्डेड क्लास आप पीछे का देखना, है ना, सब चीज समझ में आएगा, नहीं जो जो चीज समझ आएगा नोट डाउन करके रखो, नेक्स्ट क्लास परसों मिलेंगे तो उसको सारा कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है, परसों सेम टाइम में हम लोग मिलेंगे 4 बजे, है ना। जो लोग बैच में ऐड नहीं हुए हैं तो रात तक सभी बच्चों को मैं ऐड कर दूंगा बैच में, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पे हमारा वीडियो देख रहे हैं और जिनको ऑडिटर का क्लास लेना है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर हमारा ये है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना, और इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप फैसो कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और भी जानकारी चाहिए तो IAS मैथ्स अकेडमी ये आप एंड्रॉयड ऐप चाहे ऐप स्टोर एप्पल स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, IAS मैथ्स अकेडमी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद है तो आपको
वगैरह दिखेगा, कोर्सेज दिखेगा, स्टोर सेक्शन में जाके आप ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आप लोग के लिए ऑफर में चल रहा है 9999 में, पूरा कोर्स हम लोग दे रहे हैं बीपीएससी ऑडिटर एज वेल एज प्रोजेक्ट मैनेजर। ये कोर्स कर लो। कितना मार्क्स का पेपर होगा, 300 का ना कि 200? 300 में सब बच्चा को 250 नंबर लाना है। एकदम दिमाग में ये चीज डाल लो, जितना काम करवाएंगे उतना काम करो, 250 से कम नहीं है, ठीक है? अच्छे से करो, बाकी जितना ऑप्शनल है सब पीछे छूट जाएगा, तुम्हारा सीधे स्कोर बढ़ेगा ऊपर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे कि जीएस पेपर हिंदी में लिखेंगे और ऑप्शनल इंग्लिश में लिख सकते हैं। देखिए जीएस पेपर आप हिंदी में लिखते हैं तो बीपीएससी का जो नॉर्म्स है, जो बीपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, तो उसमें कहती है कि आप जीएस को अगर आप हिंदी में लिखते हो है ना, तो आपको ऑप्शनल भी हिंदी में लिखना होगा, है ना? ये बाबा आलम जमाने का ये मतलब चीज चल रहा है, यूपीएससी वाला इसको सुधार लिया, बीपीएससी नहीं सुधारा है, बहुत पुराना चीज है ये, ठीक है? लेकिन मेरी बात पूरी सुनिए, है ना? तो ऑप्शनल में क्या होता है कि मैथ्स ऑप्शनल में आपको थोड़ा सा बेनिफिट क्या है कि 20% चीज जो है सो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, 20% चीज आप इंग्लिश में लिख सकते हो। मतलब मान लो कि आपको इंटीग्रल डोमेन आ गया, अब इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, तो उसका हिंदी बड़ा कठिन सा होगा, कलिष्ट होगा हिंदी उसका, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप वहां पे इंटीग्रल डोमेन लिख के अपना काम कर दोगे। बाकी आपको क्या करना है, मैथ्स में मैनिपुलेट करना है चीज को, पढ़ेंगे हम लोग इसी दौरान में, बोलता तो मैं हिंदी में ही हूँ, कुछ समय इंग्लिश में बोलता हूँ, तो आप लोग ज्यादातर बच्चे मोस्टली बिहार यूपी से ही है, झारखंड से है, तो हम हिंदी में ही प्रेफर करते हैं आप लोगों को पढ़ाने का, कि चीज है सो अच्छे से समझ में आए कन्वर्सेशन। तो एक प्रश्न मेरा है। हाँ जी बोलिए। एक इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, 20% जो है सो आप चीज है सो इंग्लिश में आप वर्ड सब यूज कर सकते हो, बाकी सब क्या होता है, लेट अस अज्यूम ऐसे करके आप लिखते हो वैल्यू ऑफ एक्स इज 5 ऐसा कुछ मानते, तो उसको क्या लिख सकते हैं हिंदी में, माना कि एक्स का मान 5 है, यही ना लिखते हैं। ग्रेजुएशन आपने हिंदी में किया अंग्रेजी में किया, बोलिए? अंग्रेजी में किया। अंग्रेजी में किया, अंग्रेजी में किया। टेंथ हिंदी में किया अंग्रेजी में किया? हिंदी में। मोस्टली लोग हिंदी में किए टेंथ, है ना? तो दसवीं का जो परीक्षा आप दिए थे तो हिंदी में दिए थे ना, लाभ हानि औसत परिस्थिति से पढ़े थे ना, हिंदी में क्या होता है, क्या होता है कोण का हिंदी, क्या होता है एंगल का हिंदी, क्या होता है, ये सब जानते हो। लेकिन हिंदी में भी हम लोग आपको मॉड्यूल जो है सो देंगे, हिंदी मॉड्यूल जो है ना, तो आपको जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे ये मॉड्यूल आपको इंग्लिश में दिख रहा है राइट, हिंदी का भी मॉड्यूल्स वगैरह है, सो हम लोग हर एक टॉपिक का बना के रखे हुए हैं, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। लेकिन क्या है कि इंग्लिश वाला जो चीज है, इंग्लिश वाला चीज को सबसे पहले आपको समझना है, अगर आप इंग्लिश वाला चीज समझ जाते हैं ना, तो फिर बात हिंदी में कुछ नहीं है, उसको ट्रांसलेट करने का ही होता है, समझ रहे हैं? बात हिंदी में क्या होता है, सिर्फ ट्रांसलेट करना होता है। तो आप अगर अच्छे से टॉपिक को समझते हैं तो उसको फिर ट्रांसलेट करने के लिए आपको मॉड्यूल्स वगैरह हम देंगे, और उनको आप सीधा आप है सो देख सकते हो। अब आप बताओ कि डाउट क्या है आपका। डाउट एक ये है कि जैसे कि मई या जून में इसका एग्जाम होने वाला है, एक्सपेक्टेड जो डेटेड है, हाँ, तो उसके अनुकूल ये कोर्स कंप्लीट हो पाएगा सर? बिल्कुल हो पाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल हो बन जाएगा, एकदम बनेगा। अब मने में ठान लोगे कि नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे होगा, है कि नहीं? जैसे सर पढ़े हुए 5-6 साल हो गया, 2016 में आज जो पढ़ाए हैं तो कितना चीज समझ में आया, पहले बात बताइए। सब रिकॉल हो रहा है सर, रिकॉल हो रहा है ना, तो रिकॉल होने में लग रहा कि थोड़ा सा टाइम तो दोगे ना हमको, 10-5 दिन का समय दोगे ना? अब एकदम गाड़ी पढ़े याद आ रहा है, अब तुम लोग गाड़ी में एकदम जंग लग गया है तो उसको गैरेज में भेजो, थोड़ा टाइम लगेगा ना उसको ओवरवाइलिंग में, है कि नहीं? 2 मिनट में नहीं ना ऐसा है कि एकदम चकाचक दिखने लगेगा, थोड़ा टाइम दीजिए और आप लोग 10 दिन का समय दीजिए, क्लास डेली अटेंड करिए, क्लास अटेंड अगर नहीं कीजिएगा फिर दिक्कत होगा, ठीक है? तो काइंडली आप लोग क्लास अटेंड करिए और ध्यान से है तो फिर पढ़ते रहिए, सब अच्छे से होगा, चिंता मत करो किसी चीज का, ठीक है? जो लोग ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करें, और जो कोर्स नहीं लिए हैं, और काफी सारे बच्चे कोर्स ले भी लिए हैं, उनको हो सकता है आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो नेक्स्ट क्लास से आप ज्वाइन कर पाइएगा,
है ना, आप काइंडली कॉल करेंगे। एक मिनट में आपको एक चीज दिखा रहा हूँ जो सभी लोग देखेंगे कि हिंदी मीडियम के लिए जो मॉड्यूल वगैरह है वो भी आप लोग को, जितना बच्चा हिंदी मीडियम है ना उसके वेलफेयर के लिए हम लोग ये काम किए हैं। बहुत टाइम लगा है इस काम करने में, है ना, लेकिन आप लोग को फायदा होगा। हमारा देखो एक ही पर्पज है यार, तुम लोग ऐसे पास करो, समझ रहे हो, जितना जल्दी पास करोगे उतना जल्दी एक नौकरी लगेगी, आप लोग ऐसे परेशानी से हटोगे। ऐसे दिख रहा है आप लोग को? जी सर जी। मॉडर्न अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा दिख रहा है ना ये? तो ये मॉडर्न अलजेब्रा देखिए, तो इसमें देखिए आप देखो तो ग्रुप एंड सब ग्रुप है, अध्याय। इतना बढ़िया मॉडल पूरे इंडिया में कोई नहीं मिलेगा आपको, है ना। आपको सारा कुछ है इसमें, प्रस्तावना, उद्देश्य, ये सब ठीक है, ये सारा कुछ है, कहानी इतना समझ सकते हो ना भाई, ऐसा मॉड्यूल देंगे तो समझ पाओगे। हाँ हाँ सर, समझ लेंगे। ठीक है, इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं, नहीं तो आप लैपटॉप में खोल के पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये कुछ दिन के बाद अमेजोन पे भी अवेलेबल हो जाएगा किताब के फॉर्म में। ठीक है, तो आप लोग को है सो कोशिश करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएं। जो अमेजोन में कूपन कोड डालते हो, कूपन कोड वगैरह है ना जी, तो कूपन कोड बनाएंगे आप लोग को घर पे है सो फ्री ऑफ कॉस्ट कुरियर पहुंच जाएगा, तो जिसमें बुक रहेगा वो। ठीक है, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 5-7 दिन 10 दिन लगेगा, सारे टॉपिक को एक एक करके हम आपको देंगे। जैसे लिमिट हो जाएगा तो लिमिट का हिंदी वाला मीडियम वाला मॉड्यूल देंगे, और फिर कंटिन्यूटी होगा, फिर आपका डिफेंसिबिलिटी होगा, जैसे जैसे होगा सारे आपको देते चलेंगे। तो देखो इसमें आप क्वेश्चन वगैरह भी है थ्योरम से, ये तो मॉडर्न अलजेब्रा का चीज है, थ्योरम से इसमें ज्यादा है। ठीक है, और किसी को कोई परेशानी है बताइए। एक प्रश्न मेरा था, बोलिए। ये ऑप्शन जो 12 क्वेश्चन पूछता है उसमें 6 बनाना रहता है जी, हर क्वेश्चन में ए बी करके रहता है, इस वन में ए बी है, ए बी दोनों बनाना कीजिए, जैसे ए बना दिया बी नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दे। नहीं नहीं, ए ए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 1 एक क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा, अगर आप 25 बनाए हो, आप 25 का छोड़ दिए तो आपको 25 नंबर चला जाएगा। तो फिर सर दूसरा नंबर जो भी कोई भी क्वेश्चन हो उसका एक आ रहा तो बनाएंगे तो नहीं फायदा करेगा? आप ये कहना चाह रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 1A है, 1B है ना, 2A है, 2B है, आप 1A बना लिया, 2B बना लिया, कह दिया कि 50 नंबर हो गया, ये कह रहे हो आप? हाँ ना, ये नहीं होता है। 1A का मतलब अगर 1A आप अटेम्प्ट किए हो तो 1B भी आपको अटेम्प्ट करना है, समझ रहे हो, फिर 2A अटेम्प्ट किए हैं तो 2B भी अटेम्प्ट करना होगा। एक पार्ट किसी का अटेम्प्ट किया तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तभी 50 नंबर का आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। ठीक है, बहुत आसान होता है, 1A 1B लीनियर अलजेब्रा होता है भाई, सब लोग लीनियर अलजेब्रा इतना अच्छा से हम लोग यहाँ पे कराएंगे कि आराम से करोगे लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, 2A 2B क्या होता है, कैलकुलस 1 वेरिएबल का होता है, एकदम फिक्स है ये। ठीक है, फिर 3A 3B में थोड़ा अंतर आजकल कर दिया है, एक ओडी का दे देगा, एक वेक्टर का दे देगा, समझ रहे हो बात। क्वेश्चन नंबर 4A 4B में एक वेक्टर का घुसा देता है और एक आपका 3D का घुसा सकता है, फिर 5A 5B में एक 3D का घुसा सकता है और यहाँ पे एक मैकेनिक्स का घुसा देगा, है ना, समझ रहे बात। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन और 6A 6B में एक बीटा गामा फंक्शन घुसा देता है और एक आपका मैकेनिक्स घुसा देता है, इस ढंग से चलता है। तो आपको तो 3 ही सेलेक्ट करना है, तो 1A 1B तो आप खत्म क्वेश्चन हो गया, 2A 2B कर लोगे, 3A 3B कर लोगे, काम खत्म हो गया। तैयारी ऐसा रखो कि 1 से 3 में डायरेक्टली शुरू से ही 3 क्वेश्चन ओवर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है बोलिए। हाँ जी बोलिए सर, बोलते कि एनए वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सा क्वेश्चन? एन एनुमेरिकल एनालिसिस का सर, जिसमें कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो आप लोगों को क्वेश्चन जो होता है ना न्यूमेरिकल एनालिसिस का, तो विदाउट कैलकुलेटर का भी क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाता है, है ना, हो जाता है, भारी नहीं पूछता है। अच्छा, ऐसा ही पूछता है जिसमें आप छोटा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। तो छोटा कैलकुलेटर अलाउड है सर एग्जाम में? छोटा वाला अलाउड है, छोटा वाला अलाउड है। यस, दुकान पे जो कैलकुलेटर रखते हैं ना जोर घटा वाला, वो अलाउड है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया है बीपीएससी। इसके लिए हम एक बात भी कर रहे हैं बीपीएससी से, पिछले साल भी कई सारा उसमें पत्राचार किए थे, लेकिन उसका कोई सर इस पे भी कीजिएगा सर, के लिए ऑप्शनल पेपर को जो है ना बदल सके। तो ठीक है, चलो उस पर देखेंगे, है ना, अभी लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट बीपीएससी के लिए बारे में बोल रहे हैं 67 का
इस बार नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया था भाई कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो वो नहीं सर, हाँ लैंग्वेज लेके लैंग्वेज का, लैंग्वेज वाला भी बात इम्पोर्टेंट है, उसको भी रेज किया जाएगा है ना। तो सर कोविड की वजह से हो सके दे दे कि ऑप्शनल चेंज भी कर सकते हैं। सर 65 बीपीएससी में दिया था चेंज करने के लिए, कोविड की वजह से 66 में नहीं दिया था ना जी सर, तो हो सके 67 में भी सर थोड़ा सा कोशिश होगा। ठीक है, तो आप लोग स्टूडेंट है, एक बार कमीशन में फोन लगाइए, बात कीजिए, अपना कंसर्न दिखाइए है ना। हम लोग का तो इंस्टीट्यूट है, हम लोग है सो बोलेंगे तो कहेगा कि ये इंस्टीट्यूट से कॉल आ रहा है, लेकिन आप लोग स्टूडेंट हो, स्टूडेंट कितना बड़ा यूनिटी होता है तुम देख ही रहे हो। अभी आरआर एनटीपीसी वाला देख रहे हैं, अभी रेलवे वाला कैसे हंगामा हो गया। हाँ यस सर, तो हंगामा करना सर लाजमी था इसका। हाँ तो वो हंगामा नहीं करना चाहिए, तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए, वो सबको हम लोग समर्थन नहीं देते हैं, लेकिन क्या है कि स्टूडेंट का जो कंसर्न है वो रेज हम लोग करते ही रहते हैं अपने चैनल पे भी है ना। तो एक आध वीडियो है तो इस पे हम लोग बना देंगे। ठीक है, और कोई डाउट है क्या? नहीं सर, डाउट तो नहीं है। चलिए हम लोग परसों मिलते हैं इसी टाइम में 4 बजे, सब लोग आ जाइएगा। ओके थैंक यू। हाँ जी सर, क्लास का टाइमिंग 4 से कितने बजे तक रहेगा? 4 से 5:30 अभी रहेगा, उसके बाद है 6 बजे तक भी हो सकता है। एग्जाम जैसे जैसे पास होगा तो क्लास का ड्यूरेशन और ज्यादा होगा। ठीक है, तो सर ये फरवरी मंथ में सर करीब कितना चैप्टर खींचा जाएगा सर क्वेश्चन बैंक का? ऐसा हम लोग कैलकुलस वगैरह है जो कैलकुलस लीनियर अलजेब्रा लगभग ओवर कर देंगे। ठीक है, और अगर उससे ज्यादा हो पाएगा तो उससे ज्यादा भी कर लेंगे। साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दे रहे हैं सर, लेकिन सर एटलीस्ट 1 मिनट बात सुनो मेरी, रिकॉर्डेड क्लास आप सभी लोग को एक्सेस दे रहे हैं, तो आज ही से आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देखना शुरू करोगे है कि नहीं? यस सर। वहां से तो पूरा कराया हुआ है ना, एक एक करके देखना, लिमिट का स्टार्ट करना, कैलकुलस 1 वेरिएबल मल्टीवेरिएबल। अभी जब स्टार्ट हो जाएगा मल्टीवेरिएबल का फर्स्ट क्लास, तब से मल्टीवेरिएबल शुरू करना। आज लिमिट का फर्स्ट क्लास से आप स्टार्ट कर दोगे देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सीट वगैरह भी लाएंगे, उसको भी देखना है।